अगर आप भी चाहते हैं माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली से जुड़े रहने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, रेडी है ना? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? नहीं सर। गला ठीक है बिल्कुल? कितना गोली लाए थे? 9 गोली खा गए क्या? नहीं, 6 गोली खाए। अच्छा, अब गला ठीक लग रहा है? गर्म पानी से गरारा किए थे? चलिए आइए, अब बढ़िया से मस्ती में गई है, ठीक है ना? ठीक है, ताकि सुपौल जिला वाले कहे कि हाँ बढ़िया गा कर आए हैं, ठीक है ना? आइए, मजा आ जाए। गाने पर ध्यान दीजिए, मोबाइल वहां मत रखिए, मोबाइल हाथ में लीजिए, मोबाइल को ऐसे रखिए सामने, देखिए ऐसे रखिए, हाँ इतना पे बिल्कुल सामने, और ऊपर करिए, हाँ बस, और माइक के थोड़ा पास आइए, बस। हेलो बाडू साटा भेड़ करा जनी नगरा बेला बनोट तू के सब करो बखरा हेलो बाडू साटा भेड़ करा जनी नगरा बेला बनोट तू के सब करो बखरा मन कर बो छटा जाई क्या हो गया? ये अभी प्रैक्टिस है आपका, फाइनल नहीं चल रहा है। ये अभी तो देख रहा हूँ कि आप मीटर में आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है? क्योंकि मैं जब बैठता हूँ ना तो सिंगल लोग थक जाते हैं, क्योंकि मैं थकाता बहुत पकाता भी बहुत हूँ। तो आइए बढ़िया से, ठीक है? ध्यान रखिएगा टाइमिंग का, आइए। हाँ, इसको फीलिंग यहाँ, मतलब आप सिर्फ गाने को पढ़ रहे हैं, गा नहीं रहे हैं, गाने में थोड़ा सा फील भी आना चाहिए, फीलिंग। हाँ चटा जाई, समझ रहे ना? थोड़ा फील देखिए, स्टेज देखिए, ये गाना स्टेज वाला है, ठीक है ना? स्टेज पे आप गा रहे हैं तो थोड़ा सा वाला वो फील आनी चाहिए ना, दबंग वाला है, क्योंकि दबंग नाम क्या है आपका? रघुनंदन राजा। तो रघुनंदन मतलब रघु रीत क्या बोलते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। भाई रघुनंदन वाला जो है थोड़ा सा वीरता वाला सूरवीर वाला काम दिखाइए बढ़िया से। आइए उसके बाद पकड़ लीजिए आगे वाला लाइन, आइए गाते हुए आइए। क्या हो गया मेरे भाई? आइए दो ही बार है, चटा जाई पर साजे क्या हुआ मेरे सुपौल के हीरो? क्या हो गया? एक बार और सर। नहीं एक बार नहीं, हम तो 10 बार 20 बार गाइए, मुझे दिक्कत नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, टेंशन आपको संभाल के रखिए, खोइए मत, ठीक है? दोबारा गा रहे हैं आप गाने को, ये इस गाने को आप दोबारा गा रहे हैं, दिन में भी गा चुके थे नहीं गा पाए तो फिर दोबारा गा रहे हैं ना, ठीक है? हाँ तो गाइए बढ़िया से। देखिए गले को संभाल के, अभी भी गला लग रहा है, थोड़ा सा बढ़िया था ये, ठीक है? हल्का सा गले को खराश लीजिए, आइए आइए गाते हुए। सुनी बेटा,
अभी इसमें क्या है, थोड़ी आपकी आवाज भी जो है ना डिफेक्टेड है, आवाज जो है आपकी फट फट के आ रही है, वो दिन में भी इसीलिए रिकॉर्डिंग आपका रोक दिया था हमने, क्योंकि अभी भी आवाज फट रही है। और ये आवाज प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आवाज ही ऐसी है, तो ये थोड़ी सी जो है ना ये जर्क रहेगी आपकी आवाज में, समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन आप गाइए मूड से घर रहे, लेकिन आवाज थोड़ी थोड़ी फटी फटी आपकी रहेगी मिक्सिंग के बाद भी। ये मैंने पहले बताया, आप मत कहिए सर आपने मिक्सिंग खराब कर दिया है। सर ये साल दो साल के बाद भी ठीक नहीं होगा? अरे ये एक महीने के अंदर ठीक हो जाएगा, मुलेठी खाइए। मैं आप मेरा चैनल नहीं देखते हैं क्या? माँ वैष्णो रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखा हूँ सर, लेकिन कुछ खाया नहीं। खाया नहीं बताइए, चैनल देखिए और खाए नहीं सर मुलेठी। सुपौल में कौन जी, कहाँ पे घर है आपका? किशनपुर बाजार के बगल में 1 किलोमीटर। किशनपुर बाजार से 1 किलोमीटर आगे कौन सा गाँव? मलाड गांव। मलाड तो मुंबई में है महाराज, अगुवार मलाड। अच्छा, तो एक तो मलाड मुंबई में भी है, मुंबई में भी है, यहाँ पे भी है, सुपौल में भी है। हाँ, सुपौल मुंबई से कम थोड़ी है, तो थोड़ा सा पावर दिखाइए, ठीक है ना? हाँ, और मुलेठी देखिए चैनल हमारा देखा कीजिए। मैं सभी से बार बार इसीलिए कहता हूँ कि चैनल आपने सब्सक्राइब किया है? हमारा सारा वीडियो आपको मिलता है? तो आपने देखा नहीं उसमें गले के लिए मैंने कितना बढ़िया बढ़िया टॉनिक बताया हुआ है, मुलेठी कुलंजन। आपका तो आवाज़ है वो मुलेठी से ठीक होने वाला नहीं है, आपको तो कुलंजन खाना पड़ेगा। कुलंजन भी मुलेठी की प्रजाति की चीज़ होती है, जो कि गला ज़्यादा फटता है, जैसे आपका फटा दिन में, इसीलिए रिकॉर्डिंग रोक दिया था आपका, क्योंकि ज़्यादा फट रही थी आवाज़। अब फिर इतना दवा खिलाने के बाद गर्म पानी गरारे इतना कर लिया कि 2 बोतल ख़राब कर दिया, बोतल गल गया गरम के मारे, तो अभी भी गला ठीक नहीं हो रहा है ना। लेकिन अब इसको हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 1-2 महीना निकल जाएगा। देखिए गाना गाने, आप उतना दूर सुपौल जिला से चल के आए हैं, वो भी साहब का गाड़ी छोड़ के। साहब की गाड़ी चलाते हैं ना, थाने में गाड़ी चलाते हैं ना, तो बताइए, तो थाने वाले तो मुझे पकड़ लेंगे, कहेंगे भाई तुम मेरे ड्राइवर को अपने स्टूडियो में क्यों फंसा के रखे हो। कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे पक्का। अब खराब गाकर जाएंगे तो भी तो वो बोलेंगे ना कि यार कैसे तुम हमारे ड्राइवर से कैसे गाना गवा दिए। हम क्यों बोलेंगे? बोलेंगे ना, आपको नहीं वो हमको बोलेंगे, गलती तो आप करेंगे लेकिन सुनना मुझे पड़ेगी, ठीक है? आइए बढ़िया से संभाल के आवाज को, ठीक है ना? घबराइए मत कि आवाज फट फट रही, कोई बात नहीं है, वो गला है। और इसके बाद आप मुलेठी जरूर खाइए, ठीक है? कुलंजन खाइए, मुलेठी खाइए, दोनों में कुछ भी लेके खाते रहिए, ठीक है ना? और जाते वक्त मैं एक दो चीज़ और बताऊंगा आपको, जो अगर ये मुलेठी नहीं मिलता है, मुलेठी तो यहीं से दिलवा दूंगा, हमारे बगल में ही मिलता है, 50 रुपये में दे देगा, 15-20 दिन खाते रहिएगा, ठीक है? ठीक है सर, फिर 100 रुपये का ले लूँगा। नहीं, ज़्यादा दिन रखेंगे तो ख़राब भी हो जाएगा ना, उसमें वो लग जाता है, क्या बोलते हैं, भुआ बोलते हैं ना गाँव में, क्या बोलते हैं? हाँ, वो ज़्यादा दिन खुला रहने से ना वो ख़राब भी जल्दी हो जाता है। 10-12 दिन जो है खाइए, खत्म हो जाएगा। आइए बढ़िया से, कहाँ ध्यान, यहाँ से अंतरा इशारा दे रहा हूँ, इशारा को ध्यान दीजिए, आइए। दोबारा इसको लीजिए, बढ़िया से लीजिए, थोड़ा सा देखिए, इतना बोलने के बाद भी। हेलो रघुनंदन जी, देखिए आवाज़ तो खराब है, ये फट ही रही है ना, थोड़ा सा अपने से भी गले को ना संभाल के, मतलब थोड़ा सा खींचे, ठीक है? आइए।